नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सीईओ राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा कर्मचारियों को कोरोना वायरस के संबंध में ना घबराने और निवारक उपायों को अपनाने का सुझाव। राउरकेला स्पा संयंत्र के ऑक्सीजन प्लांट कर्मी समूह द्वारा किए गए उद्यमी प्रयास से SMS-1 में HP नाइट्रोजन की उपलब्धता में सुधार। और RSP के OBBP विभाग में कर्मवीर पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला स्टील प्लांट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चट्टराज ने राउरकेला कर्मी समूह को अपने संदेश में कोरोना वायरस के संबंध में ना घबराने और निवारक उपायों को अपनाने का सुझाव दिया। यह राहत की बात है कि इस क्षेत्र में कोरोना वायरस का कोई भी मामला अब तक सामने नहीं आया है। हालांकि हम निश्चिंत या लापरवाह नहीं हो सकते। हमें रोग के प्रसार से संबंधित क्या करें और क्या ना करें का कड़ाई से पालन करना है। साथ ही यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सतर्कता बरतें और अपने आसपास के लोगों के लक्षणों का निरीक्षण करें। अगर कोई भी कोरोना वायरस से प्रभावित होने का कोई संकेत दिखाता है तो हमें तुरंत उस व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। मेरे प्रिय राउरकेलावासी, हमने हमेशा से यही बड़े से बड़े विपत्तियों का सामना करने में अपरिमित सामर्थ्य और साहस दिखलाया है। आज हमें कोरोना वायरस का अप्रत्याशित खतरे का सामना कर रहे हैं। यह हमारे लिए राहत की बात है कि इस क्षेत्र में अभी तक एक भी कोरोना वायरस का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें निश्चिंत और लापरवाह हो जाए। हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, भारत सरकार और ओडिशा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती का साथ पालन करना है। साथ ही ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सतर्कता बरतें और अपने आसपास को लोगों को लक्षणों का पर्यवेक्षण करें। अगर किसी में कोरोना वायरस से प्रभावित होने का लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो हमें उस व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान कराने में सहायता करनी चाहिए। हमें प्रत्येक को माननीय प्रधानमंत्री के संदेश घबराए नहीं सावधानी बरतें को ध्यान में रख के उसका अनुपालन करना है। धन्यवाद। सेल राउरकेला स्पा संयंत्र के ऑक्सीजन प्लांट के कर्मी समूह अपने आंतरिक ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने और गुणवत्ता वाले स्टील बनाने में योगदान देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इस संबंध में कई संशोधन किए जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने HP नाइट्रोजन लाइनों को सफलतापूर्वक संशोधित किया है। ऑक्सीजन प्लांट यूनिट 1 में ऑक्सीजन बफर वेसल्स को नाइट्रोजन बफर वेसल्स में परिवर्तित किया गया है। इससे सिस्टम पर पड़ने वाली चाप में काफ़ी कमी आई है और कन्वर्टर हुड संशोधन के बाद बढ़ी हुई नाइट्रोजन की मांग को पूरा करने के लिए SMS-1 में HP नाइट्रोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। उल्लेखनीय है कि उच्च चाप नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण घटक है जिसका उपयोग GCP में सीलिंग और शुद्धिकरण उद्देश्यों में किया जाता है और स्टील उद्योग के स्टील मेल्टिंग शॉप्स में कन्वर्टर्स का इस्तेमाल स्प्लैशिंग में भी होता है। ओर बेडिंग और ब्लेंडिंग प्लांट में 20 मार्च को कर्मवीर पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक OBBP श्री अरविंद मिश्र ने समारोह की अध्यक्षता की और SOST OBBP मैकेनिकल श्री मोहनदास सरदार को कर्मवीर पुरस्कार प्रदान किया, जिसमें प्रमाण पत्र, ट्रॉफी और जीवन साथी के लिए प्रशंसा पत्र शामिल था। इस अवसर पर विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। श्री सरदार को एस बंकर में EG-SM-127 के बिजली के पुनरुद्धार में सहायता प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें OBBP कंट्रोल रूम से सेंटरिंग प्लांट 2 के लिए BC-56 की रनिंग परमिशन को स्थिर करने में अहम भूमिका निभाने हेतु भी मान्यता दी गई। कार्यक्रम का संचालन उपप्रबंधक कार्मिक श्री VS सरोड़े द्वारा किया गया। आज के हिंदी समाचारों में इतना ही। नमस्कार।